नीरज और ध्रुव के बीच में उस दिन के बाद बातचीत बंद हो गई थी। नीरज ध्रुव से काफी नाराज था और उन दोनों की लड़ाई की वजह से उनका ग्रुप टूट रहा था। ध्रुव को इस बात का अफसोस था कि उसने शायद नीरज को दुख पहुंचाया है, लेकिन अब वो नीरज को समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ध्रुव ने नीरज से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब रही। नीरज ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। दोनों के बीच में दोस्ती करवाने के लिए पायल ने कोशिश की, लेकिन इस बार नीरज ने पायल की भी बात नहीं मानी। नीरज भले ही इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच यही था कि उसे शेफाली से प्यार हो गया था। इतने समय तक शेफाली के साथ रहने के बाद उसे शेफाली बहुत अच्छी लगने लगी थी। बचपन से आज तक लोगों ने सिर्फ उसका मोटापा देखा था, लेकिन शेफाली पहली ऐसी लड़की थी जिसने नीरज के अंदर दूसरी क्वालिटीज को पहचाना था। नीरज को शेफाली की ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती थी कि उसे नीरज को अपना दोस्त कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं लगती थी। उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में नीरज के दोस्त से मिलने के बाद शेफाली ने उससे प्रॉमिस किया था कि अब वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाएगी। नीरज फिलहाल अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रख रहा था, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि शेफाली उसके बारे में क्या सोचती है। नीरज ध्रुव से अलग हो गया था और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। उस दिन भी वो कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेला बैठा हुआ था और कंप्यूटर पर कुछ इंटर्नशिप एप्लीकेशन को देख रहा था। उसका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन से ज्यादा इस बात पर था कि नीरज को कैसे मनाए। ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके बगल में रखे कंप्यूटर पर पायल बैठ गई। उसने ध्रुव से पूछा, तो तुम इंटर्नशिप करने के लिए कहां जा रहे हो? किसी कंपनी में अप्लाई किया? अभी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो? ध्रुव ने पायल से कहा, कुछ कंपनीज के बारे में मैंने सोचा तो है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं किया। नीरज को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो मुझसे इतना नाराज हो गया। वो तुम्हारे बारे में भी ऐसी बातें करता था, लेकिन मैं तो उससे कभी इस तरह नाराज नहीं हुआ। कभी कभी नीरज कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है और ओवर रिएक्ट करने लगता है। मैंने उससे कहा था कि मुझे शेफाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसने मुझसे दूरी बना ली है। अब ना तो वो मेरे फोन उठाता है और ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब दे रहा है। कॉलेज में भी वो मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, कभी कभी हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हें मनाने के लिए हमें बातों की बजाय कुछ करना पड़ता है। कुछ भी ऐसा जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि वो सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुझे लगता है कि तुम्हें शेफाली से बॉन्डिंग करनी चाहिए। क्या उसे हमारी किसी दूसरी ट्रिप पर इन्वाइट करना चाहिए? ऐसा करने से नीरज को समझ आ जाएगा कि अब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे बताना होगा कि शेफाली को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। ध्रुव कैसे समझाता? यहां पर जिस शख्स की बात पायल कर रही थी वो असल में ध्रुव की बहन है, जिसे ध्रुव की कोई परवाह नहीं। ध्रुव अगर ऐसा कुछ करता भी तभी शेफाली वहां नहीं आती। नीरज को मनाने के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा, जिससे नीरज को यकीन हो जाए कि ध्रुव को शेफाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने पायल से कहा, तुमने ठीक कहा, अब मुझे इस बारे में शेफाली से ही बात करनी होगी। ध्रुव ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसे शेफाली से मिलना होगा और उसे खुद बात करनी होगी, ताकि उसके और नीरज के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। ध्रुव ने सोचा कि कॉलेज के बाद उसे शेफाली से मिलना चाहिए, तभी उसे पता चल सकता था कि आखिर विवेक उससे क्या चाहता है। कॉलेज खत्म होने के बाद ध्रुव ने शेफाली को फोन किया। शेफाली अपने घर पर थी और कुछ नई स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी जो उसे ऑफर की गई थी। पहली बार कॉल करने पर शेफाली ने ध्रुव का फोन रिसीव नहीं किया। शेफाली को अक्सर ऐसे प्रैंक कॉल आते रहते थे, इसीलिए वो ऐसे ही कॉल को इग्नोर कर देती थी। ध्रुव ने दोबारा फोन लगाया, तब जाकर शेफाली को पता चला कि जरूर किसी अर्जेंट काम की वजह से उसे उस नंबर से फोन किया जा रहा है। शेफाली ने फोन उठाया और ध्रुव ने उससे कहा, मुझे तुमसे मिलना है। शेफाली ध्रुव की बात सुनकर हंसने लगी और उसने उससे कहा, तुम मुझसे ऐसा ही नहीं मिल सकते। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें मेरे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जब मेरे पास फ्री टाइम रहेगा तब ही हम मिल सकते हैं। ध्रुव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, शेफाली देखो, हमारे बीच जो कुछ भी है उसकी वजह से नीरज परेशान है। मैं नीरज और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मिलना है। नीरज बहुत परेशान रहने लगा है
और उसका ये बिहेवियर मुझे चिंता में ला रहा है। नीरज की बात सुनकर शिफाली थोड़ा सीरियस हो गई और उसने ध्रुव से पूछा, क्या हुआ नीरज को? उसने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। ध्रुव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अब बताओ कि मैं तुमसे कहां मिल सकता हूं, और हां, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, हम किसी पब्लिक प्लेस पर भी नहीं मिल सकते। शिफाली ने कुछ देर सोचा, उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर वो लोग सेफली मिल सकते थे। इस बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद उसे बस एक ही जगह सही लगी और वो थी ध्रुव की कार। शिफाली ने ध्रुव से कहा, हमें तुम्हारी कार में बात कर लेनी चाहिए, इस कार में तुम ट्रैवल करते हो वो काफी सुरक्षित है और कोई भी हमें वहां देख नहीं पाएगा, वो कार सबसे सेफ जगह है। ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं अपनी कार को एक पार्किंग बेसमेंट में पार्क कर दूंगा, तुम वहां पर आकर मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें उस जगह की लोकेशन भेज दूंगा ताकि तुम्हें जगह को लोकेट करने में कोई दिक्कत ना हो। शिफाली ने ध्रुव से कहा, ठीक है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें बता दूंगी। ध्रुव ने एक मॉल की पार्किंग एरिया में अपनी कार को खड़ा कर दिया। ध्रुव ने जिस मॉल को चुना था वो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कोई आता जाता नहीं था। वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था पर रात के समय वहां कोई काम नहीं चलता था, इसलिए वो जगह उनके मिलने के लिए एकदम परफेक्ट थी। उसने मॉल की लोकेशन शिफाली को भेज दी और उसका इंतजार करने लगा। ध्रुव अपनी कार के बोनेट से टिक कर खड़ा हुआ था और शिफाली का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव को एक काले कलर की BMW गाड़ी उसकी तरफ आती हुई दिखी। वो कार उसके सामने आकर रुकी, उसमें से शिफाली बाहर आ गई। आसपास देखते हुए शिफाली ने कहा, तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले ना? अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान है तो मैं बता दूंगी, मेरी सिक्योरिटी टीम भी इस वक्त अलर्ट पर है, तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए शिफाली से कहा, मैं मेरे चाचा जैसा नहीं हूं, अपनी बहन को मैं क्यों परेशान करूंगा, ये काम तुम्हारे डैड अच्छा कर लेते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिफाली ध्रुव की बात सुनकर चिढ़ गई और उसने गुस्से में ध्रुव से कहा, तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ध्रुव ने शिफाली से कहा, क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे, क्या चाहिए तुम्हें, मेरे दोस्त का पीछा करना कैसे छोड़ोगे? शिफाली ध्रुव की बात सुनकर हंसने लगी और उसने ध्रुव से कहा, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं किसी के कहने पर यह सब कर रही हूं? हाँ, ये सच है कि तुम्हें बचाने के पीछे मेरा इरादा कुछ और था, लेकिन मेरी और नीरज के बीच में जो दोस्ती है उसका कोई मोटिव नहीं है, मैं सच में उसकी कंपनी एंजॉय करती हूं, इसलिए हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मेरे और नीरज के बीच में आज भी बात होती है, मुझे उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं उससे बात करती हूं क्योंकि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। ध्रुव ने लंबी सांस लेते हुए शिफाली से कहा, झूठ बोलना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारा नीरज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस उसका यूज कर रही हो ताकि मुझ तक पहुंच सको, और इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं ताकि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो दे सकूं और हम इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। ध्रुव की बातें सुनकर शिफाली कुछ देर के लिए शांत हो गई। ध्रुव से मिलने के बाद शिफाली को लगा था कि शायद वो उसके भाई जैसा ना हो, लेकिन आज उसका बर्ताव देखकर उसको यकीन हो गया था कि उसमें और उसके भाई में कोई अंतर नहीं है। ध्रुव की तरह विवेक को भी लोगों की बातों पर यकीन करने में समय लगता था। विवेक कभी दूसरों पर यकीन नहीं करता था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि सामने वाला उसे धोखा देगा और इसी वजह से उसकी फर्म में इतनी प्रॉब्लम्स थी। शेफाली ने ध्रुव से कहा, अब मैं समझी कि आखिर नीरज तुमसे क्यों नाराज है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम या मेरा भाई विवेक मुझे नीरज से मिलने से नहीं रोक सकते, तुम्हें अगर इससे प्रॉब्लम है तो नीरज से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन मैं नीरज की दोस्त बनी रहूंगी। ध्रुव ने गुस्से में शिफाली से पूछा, तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर तुम्हारी आई या तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? शिफाली, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तुम और नीरज एक दूसरे से बहुत अलग हो, भले ही तुम्हारा इंटेंशन सही हो लेकिन जाने अनजाने में तुम नीरज की जान को खतरे में डाल रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में कहा था और आज मैं उस आदमी की पूरी फाइल अपने साथ लेकर आया हूं ताकि तुम्हें सबूत के साथ बता सकूं कि वो आदमी कितना खतरनाक है। इतना कहकर ध्रुव ने एक पेन ड्राइव शिफाली के हाथ में रख दी और उससे कहा, इस पेन ड्राइव में उस प्रोफेशनल किलर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है,
ये डिटेल्स मुझे मेरी सिक्योरिटी हैंडल कर रही कंपनी के इंचार्ज से मिली है। तुम चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करवा सकती हो, लेकिन एक बार इस पेन ड्राइव को जरूर देखना। शिफाली, तुम और नीरज दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे डैड के बीच में जो कुछ भी है उसकी वजह से तुम्हें या नीरज को कोई प्रॉब्लम हो। तुम खुद को इस सब से बचा सकती हो अगर तुम नीरज से दूर हो जाओ तो। शिफाली ने ध्रुव से कहा, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो नीरज हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। मैं इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करवाऊंगी और उसके बाद सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। ध्रुव ने शेफाली से कहा, बस मुझसे एक वादा करो शेफाली, कि तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में नीरज से कुछ नहीं कहोगी, और अगर मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन सही निकली तो तुम्हें नीरज से दोस्ती तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरी बात पर यकीन करो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। शेफाली ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बिना कुछ कहे वहां से चली गई। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। शेफाली नीरज के साथ दोस्ती का नाटक कर रही थी, लेकिन नाटक करते करते अब उसे उन दोनों की ये दोस्ती सच लगने लगी थी। ध्रुव से मिलने की बात अपने भाई को भी उसने नहीं बताई, क्योंकि वो खुद जानना चाहती थी कि ध्रुव को उससे क्या बात करनी है। ध्रुव शेफाली से बात करना नहीं चाहता, लेकिन अब उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। क्या ध्रुव अपनी दोस्ती को बचा पाएगा? क्या शेफाली ध्रुव की मदद करेगी? क्या ध्रुव अनजाने में विवेक के बनाए हुए जाल में फंस गया है? जानने के लिए सुनते रहिए द लीडर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।